तो दोस्तों फाइनली बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म सेल्फी का सॉन्ग मैं खिलाड़ी रिलीज हो चुका है। और भाई क्या सॉन्ग है, मजा आ गया है। अगर इस साल का कोई बेहतरीन सॉन्ग है तो वो यही है दोस्तों। जी हाँ, सॉन्ग में हमें जो म्यूजिक सुनने को मिला है वो वाकई में काबिले तारीफ है। वही खिलाड़ी का जलवा भी कायम है। जी हाँ, अक्षय कुमार ने फिर से साबित कर दिया है कि वो खिलाड़ी और रहेंगे। जी हाँ, बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटी डांस के मामले में थोड़े एक्टिव नहीं दिखते, लेकिन अक्षय सर डांस हो या कॉमेडी या फिर एक्शन, हर एक चीज में ये यंग एक्टर को टक्कर देने में कामयाब होते हैं। और यह सब अक्षय कुमार इस उम्र में इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो अपनी फिटनेस पर काफी ध्यान देते हैं। अक्षय कुमार इंडस्ट्री के एक ऐसे स्टार है जो खुद ही किसी मूवी में अपने स्टंट हो या एक्शन करना पसंद करते हैं। वही अब मैं खिलाड़ी सॉन्ग आया है तो इस सॉन्ग की जमकर तारीफ हो रही है। जी हाँ, फैंस कह रहे हैं कि सर आप खुद को पहचानो, आप एक डायमंड हो। और दोस्तों ये बात सही भी है क्योंकि अक्षय सर अगर हर एक फिल्म साइन करने की बजाय दूसरे एक्टर की तरह ही हर एक मूवी साइन करते हैं तो मात्र एक ही साल में अक्षय कुमार के सारे हेटर्स जलकर राख हो जाएंगे। जी हाँ, खिलाड़ी ने अपनी पावर दिखा दी तो इनके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। खैर दोस्तों, सेल्फी का सॉन्ग आया है, इस पर बहुत सारे सेलिब्रिटी अपने रिएक्शन दे रहे हैं। फैंस के हजारों में रिएक्शन आ रहे हैं, हर कोई अक्षय कुमार सर की जमकर तारीफ कर रहा है। साथ ही में दोस्तों कुछ हेटर्स कह रहे हैं कि मूवी तो रिमेक करता है और अब सॉन्ग भी रिमेक ही बना रहा है, तो ऐसे लोगों को आप इग्नोर कर दीजिए क्योंकि एक जबरदस्त सॉन्ग से ही इन्हें जलन होने लगी है, तो सोचो फिल्म सुपर हिट होगी तो आग लगना तय है दोस्तों। दोस्तों बात करें सॉन्ग की तो ये गाना ओरिजिनल मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म का है, जिसे क्रिएट किया गया है सैफ अली खान और अक्षय कुमार की फिल्म मैं खिलाड़ी और तू अनाड़ी के इस गाने को अभिजीत भट्टाचार्य, उदित नारायण और अनु मलिक ने गाया था और इसे माया गोविंद ने लिखा था। साल 1994 में रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में शिल्पा शेट्टी और रागेश्वरी भी नजर आए थे। फिल्म सेल्फी में अक्षय कुमार और इमरान हाशमी पहली बार स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। वही इसका निर्देशन राज महता ने किया है, जो इससे पहले वो अक्षय कुमार के साथ गुड न्यूज जैसी फिल्म में काम कर चुके हैं। इमरान हाशमी और अक्षय के अलावा डायना पेंटी और नुसरत भरोसा भी सेल्फी का हिस्सा है। दोस्तों अक्षय और इमरान हाशमी की यह फिल्म 24 फरवरी को रिलीज होने वाली है। वैसे दोस्तों आपको यह सॉन्ग कैसा लगा और दोस्तों आप इस सॉन्ग को 5 में से कितने स्टार दोगे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी और ऐसे अक्षय कुमार की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।